गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जेएमपीएस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन क्या है कि हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और हाई कोर्ट का क्या है कि अपन ने ज़्यादा कुछ वर्णन कर लिया था, इसके अधिकार वगैरह, इनके पावर वगैरह के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, जिनके मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट लिख के भी बताए थे। इसमें अपना फर्स्ट पॉइंट आता है ओरिजिनल स्टेटरी ज्यूरिडिक्शन। इसमें फर्स्ट, इसके अलग अलग पॉइंट दिए गए, इसमें फर्स्ट आता है जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। फर्स्ट पॉइंट आता है डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर क्या है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है, तो इसको अपन क्या करते हैं कि हाई कोर्ट में उसको रखा जाता है। इसके साथ ही सेकंड पॉइंट ये आता है, फर्स्ट पॉइंट तो डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यह आ गए। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है रेवेन्यू कलेक्शन का, कौन सा आता है, अगर डिस्प्यूट रेवेन्यू कलेक्शन का आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भूमि संग्रह बोलते हैं। तो रेवेन्यू कलेक्शन का कोई भी मैटर होता है, उसको अपन क्या करते हैं, हाई कोर्ट में लेते हैं। तीसरा पॉइंट अपना आता है जैसे मैरिज लॉ है, कंपनी लॉ है। इसके साथ ही क्या है कि जैसे मतलब डिवोर्स से संबंधित है, मैरिज लॉ है, कंपनी लॉ है, डिवोर्स है, इनसे संबंधित जो भी मैटर आता है, इनको अपन किस में रखते हैं, हाई कोर्ट में रखते हैं। तो स्टूडेंट एक बार इसको दोबारा देखना कि अगर क्या है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स के मध्य कोई भी डिस्प्यूट होता है, या स्टेट लेजिस्लेचर के मध्य कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको अपन क्या है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के रूप में उसको हाई कोर्ट में रखते हैं। इनके साथ ही कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन का कोई मैटर आ जाता है, डिस्प्यूट आ जाता है, तो उसको भी हाई कोर्ट में रखते हैं। इनके साथ ही अपन मैरिज व्यू है, कंपनी व्यू लॉज है, मैरिज लॉ है, कंपनी लॉ है, इनके साथ ही डिवोर्स का कोई मैटर आ जाता है, तो इसको अपन हाई कोर्ट में रखते हैं। इसके बाद में अपना सेकंड पॉइंट कौन सा आता है, राइट टू इश्योरिटी, सेकंड पॉइंट आता है। राइट टू इश्योरिटी, राइट टू इश्यू रिट, जिस अपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में अपना सेकंड पॉइंट आता है राइट टू इश्यू रिट। हाँ तो स्टूडेंट अपना सेकंड पॉइंट आता है राइट टू इश्यू रिट। राइट टू इश्यू रिट में क्या है कि जैसे मतलब इसमें दिया गया है कि आर्टिकल या सेक्शन 226 में क्या है कि जैसे हाई कोर्ट को कुछ रिट इश्यू करने का जो पावर दिया गया है, जिसमें हैबियस कॉर्पस है, मेंडामस है, प्रोहिबिशन है, सर्टीरियर है, वारंटो है, ये मतलब कुछ रिट्स के नाम दे रखें, तो इन रिट्स को इश्यू करने का जो राइट्स है वो क्या है कि किसके पास होता है, हाई कोर्ट के पास होता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जैसे सेशन 226 के
सेशन 26 के अनुसार क्या है कि सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या है कि जैसे मतलब वो मामलों के रूप में उनको राइट्स दिए गए जो फंडामेंटल से रिलेटेड हो, फंडामेंटल राइट्स के रूप में हो, फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो भी कोई मामले होते हैं उनको क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकती है, उनको ऊपर रिट्स लागू कर सकती है। इसके बाद में अगर बात करें किसकी, हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट है ये क्या है कि जैसे मतलब एक तो फंडामेंटल राइट्स होता है, फर्स्ट बात करें अपन फंडामेंटल राइट्स, इसके साथ ही क्या है कि जैसे अदर राइट्स, तो हाई कोर्ट को क्या है कि फंडामेंटल राइट्स और अन्य राइट्स होते हैं जिसको मतलब मूलभूत अधिकार या अन्य अधिकार होते हैं, इनके ऊपर क्या है कि जैसे रिट्स लगाने का मतलब क्या होता है, पावर होता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि वो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके ऊपर क्या करती है, रिट्स लागू करती है। बाकी क्या है कि राइट टू इश्यू रिट्स में क्या है कि इनमें कौन कौन सी रिट्स इशू करती है, जिसमें हैबियस कॉर्पस है, मेंडामस है, प्रोहिबिशन है, सिटीरियर है, इनके अलावा डी वारंटो है, ये रिट्स है जिनको क्या है कि हाई कोर्ट मतलब क्या करती है, इश्यू करती है। तो ये अपन क्या है कि इनके बारे में जो आर्टिकल अपने 226 में क्या है कि सेक्शन 226 में इसका वर्णन दिया गया है। अब अपना थर्ड राइट्स आता है, वो आता है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, थर्ड पॉइंट आता है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जिसको अपन देखते हैं, हाँ, तो स्टूडेंट अपना थर्ड पॉइंट आता है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में ये बताया गया है कि अगर अपन क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर कोई भी जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर कोई मैटर होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई मैटर होता है, तो इसको डायरेक्ट अपन किस में उसके निर्णय के रूप में, उसके निर्णय के खिलाफ क्या है कि उसकी हाई कोर्ट में अपन क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो अपन हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन से मैटर मुकदमे आते हैं, जैसे आते हैं अपना पेटेंट डिजाइन, सक्सेशन, पेटेंट डिजाइंस, सक्सेशन, इनके साथ ही और कई जो है जिनके बारे में अपन देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अपना ये पॉइंट कौन सा अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है, इसका अगर डिसीजन है, इसके डिसीजन के खिलाफ अपन क्या है कि हाई कोर्ट में इसकी अपील कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन से केसेज को अपील करते हैं, जैसे इनकम टैक्स वगैरह होता है तो इनकम टैक्स के केसेज को अपील करते हैं, पेटेंट डिजाइन होती है उनके बारे में अपन, पेटेंट डिजाइन का जो केस होता है उनके बारे में अपन अपील कर सकते हैं, और सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार, तो उत्तराधिकार से संबंधित अगर कोई मैटर आ जाता है तो उनकी अपन क्या है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है उनके खिलाफ अपन क्या है कि उसकी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसका सेकंड जो पॉइंट आ जाता है यह आता है क्रिमिनल, ये तो आया था सिविल ज्यूरिडिक्शन। सेकंड आता है क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिडिक्शन।
अपीलियट ज्यूरिज डिक्सन। तो स्टूडेंट में बेसिकली आप लोगों को बता देता हूँ इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति को क्या है कि जैसे मान लो 4 वर्ष की सज़ा सुना दी, जैसे 4 ईयर्स की क्या, 4 ईयर्स के लिए क्या कर दिया, इम्प्रिजमेंट या डेथ पनिशमेंट। या तो क्या है कि 4 ईयर्स की क्या है कि उनको इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है कैद वगैरह, या फिर क्या है कि उनको सेशन कोर्ट के द्वारा क्या है कि जो डेथ पनिशमेंट मृत्यु की सज़ा सुना दी। ऐसी कंडीशन में जैसे सेशन कोर्ट होता है, ऐसी कंडीशन में वो सेशन कोर्ट से क्या है कि हाई कोर्ट में क्या है कि उस चीज़ की अपील कर सकता है। अगर उसको कोई व्यक्ति जिसको 4 ईयर्स की क्या है कि कैद की सज़ा सुना दी, उनके ऊपर 4 साल का अगर मुकदमा लगा दिया, या फिर क्या है कि डेथ पनिशमेंट की सज़ा उसको सुना दी, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो सेशन कोर्ट, अगर सेशन कोर्ट के द्वारा ऐसा सुनाया गया है तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि सेशन कोर्ट के खिलाफ ये क्या है कि हाई कोर्ट में उसकी अपील कर सकता है। इसके बाद में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अगला पॉइंट आता है अपना इसी का थर्ड पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, जिसको संवैधानिक अपील का अधिकार बोलते हैं, अपना क्षेत्राधिकार बोलते हैं, इसको देखते हैं अपन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है कि जैसे ऐसा कोई भी एनी केस जिसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेट ज्यूरिडिक्शन का मैटर होता है, ऐसा कोई केस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित व्याख्या आती है, इंटरप्रिटेशन आती है, तो ऐसे केस को अपन डायरेक्ट कहाँ ले जाते हैं, हाई कोर्ट में। ऐसे केस को अपन हाई कोर्ट में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ऐसा कोई केस जिसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर इंटरप्रिटेशन आता है या कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन से संबंधित कोई व्याख्या आती है, तो इसको क्या किया जाता है, अपन हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट अपना अगला पॉइंट आता है कोर्ट ऑफ ए रिकॉर्ड। फोर्थ का पॉइंट आता है अपना कोर्ट ऑफ ए रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ ए रिकॉर्ड, तो कोर्ट ऑफ ए रिकॉर्ड का जो अगला पॉइंट आता है इसको अपन देखते हैं। देखो प्रत्येक क्या है कि हाई कोर्ट होता है, प्रत्येक हाई कोर्ट होता है इसके पास क्या है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, प्रत्येक हाई कोर्ट के पास क्या है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। इसके साथ ही क्या है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है और वो क्या है कि जैसे मतलब रक्षात्मक रूप से इनको पनिश करने का अधिकार भी होता है ऑफेंडर। ऑफेंडर्स होते हैं उनको क्या है कि पनिश करने का
पनिश करने का पावर होता है जिसके ऊपर प्रत्येक जो हाई कोर्ट होता है इसके पास, इनके साथ ही क्या है कि जैसे हाई कोर्ट वगैरह होते हैं इनके जो भी निर्णय होते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है उनको सेव रखा जाता है, इनको सेव किया जाता है। हाई कोर्ट वगैरह होते हैं इनके जो रिकॉर्ड होता है उसको क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। और इनके साथ ही क्या है कि जो संबंधित रिकॉर्ड कोर्ट होते हैं उनमें क्या है कि जैसे मतलब इनकी व्याख्या की जाती है या उनको देख के वर्क किया जाता है। तो ये अपने क्या है कि जैसे चार पॉइंट आ गए, उसके बाद में अगला पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। फिफ्थ का पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, प्रशासनिक शक्तियाँ जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जिनको अपन प्रशासनिक शक्तियाँ बोलते हैं, जिनके बारे में देखते हैं अपन अध्ययन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इसका फर्स्ट पॉइंट आता है ए हाई कोर्ट मे कॉल फॉर डिसीजंस मेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड कैन इवैल्यूएट एंड एग्जामिन देम। इसका कहने का मतलब ये होता है कि एक हाई कोर्ट है, ये क्या है कि संबंधित जो भी हाई कोर्ट होते हैं, संबंधित जो भी कोर्ट होते हैं जैसे सेशन कोर्ट होता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तो वो जो संबंधित कोर्ट होते हैं उनके द्वारा लिया गया जो निर्णय होता है इनके ऊपर मूल्यांकन कर सकता है, इवैल्यूएट कर सकता है, इनके साथ ही क्या है कि उनके ऊपर एग्जामिन कर सकता है, उनकी छानबीन कर सकता है। तो ये मतलब क्या है कि हाई कोर्ट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। सेकंड आता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट दैट इट इंश्योर दैट सम सबऑर्डिनेट कोर्ट डजंट वायलेट इट लिमिट्स एंड इज वर्किंग एज पर द प्रोविजंस लेड डाउन बाई लॉ। देखो हाई कोर्ट का क्या है कि यह कर्तव्य होता है कि ये मतलब उसको सुनिश्चित करें कि कुछ जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं जो क्या है कि मतलब है, उन अपनी जो लिमिट वगैरह होता है उनको उल्लंघन नहीं करें, उनको वॉयलेट नहीं करें, और क्या है कि जैसे मतलब कानून के द्वारा जो भी प्रावधान रखे गए हैं उनके अनुसार क्या करें, वर्क करें। तो इसमें सेकंड में यही होता है कि हाई कोर्ट का ये कर्तव्य होता है कि वो जो संबंधित हाई कोर्ट संबंधित जो कोर्ट होते हैं उनको सुनिश्चित करें ताकि ये क्या है कि अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करें, अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करें, और क्या है कि कानून के द्वारा जो भी प्रावधान रखे गए हैं, जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं उनके अनुसार कार्य करें। थर्ड आता है इट कैन रिमूव ए केस फ्रॉम वन कोर्ट एंड ट्रांसफ़र इट टू अनदर कोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड वर्डिक्ट। कहने का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट है, ये क्या है कि एक जो केस होता है इसको एक कोर्ट से रिमूव करके दूसरे कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र कर सकता है और वहाँ उसकी सुनवाई कर सकता है। तो ये मतलब क्या है कि इसके थ्री पावर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे हाई कोर्ट है वो क्या है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, उनके डिसीजंस को क्या है कि उसके डिसीजंस की छानबीन कर सकता है, उनकी एग्जामिन कर सकता है, मतलब उनको निरीक्षण कर सकता है। सेकंड ये होता है कि जैसे हाई कोर्ट की ये कर्तव्य होता है कि ये मतलब सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं उनको सुनिश्चित करें और उनकी उल्लंघन जो भी नियम वगैरह का उल्लंघन करते हैं उनको रोकें, और क्या है कि कानून के द्वारा जो भी प्रावधान रखे गए हैं उनके ऊपर कार्य करें। इनके साथ ही क्या है कि हाई कोर्ट का ये भी पावर होती है कि जो भी एक केस को क्या कर सकते हैं, एक जगह से क्या है कि रिमूव करके और उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ उनकी सुनवाई करा सकते हैं। तो ये मतलब क्या है कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं। इसके बाद में आता है जुडिशियल रिव्यू, अगला पॉइंट आता है अपना जुडिशियल रिव्यू। सिक्स का अपना पॉइंट आता है जुडिशियल रिव्यू, इसको न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं, न्यायिक रूप से पुनरावलोकन जिसको देखते हैं अपन। अगला पॉइंट आता है अपना जुडिशियल रिव्यू, जिसमें ये बताया गया है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है, जो हाई कोर्ट होता है हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि ये मतलब क्या है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है,
सेंट्रल है, स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि जो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर की कार्य की जो वर्किंग होता है इनकी घोषणा करना, इसके कार्य को डिक्लेयर करना। ये क्या है कि इनके पास क्या होता है कि जुडिशियल पावर होता है। इनके साथ ही अपन बात करें तो इनको क्या है कि वैलिड और इनवैलिड कौन करती है, एजुकेटिव करती है। इनके कार्य को क्या है कि जो वैलिड और इनवैलिड कौन करती है, एजुकेटिव करती है। एजुकेटिव क्या है कि इनके कार्य को वैलिड या इनवैलिड ये करती है, एजुकेटिव होती है। इनके कार्य को वैलिड और इनवैलिड कौन करती है, एजुकेटिव करती है। और इनके कार्य की जो घोषणा होती है वो हाई कोर्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का है। इनके कार्य की घोषणा क्या है कि हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, इसके पास ये पावर होता है। तो स्टूडेंट अपन ने क्या है कि जैसे मतलब मैंने आप लोगों को क्या है कि 3 अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में अध्ययन किया अपन ने, जैसे लेजिस्लेचर है, फिर इसके बाद में एजुकेटिव है, इसके बाद में एजुकेटिव के बाद में जुडिशियरी है, तो इन तीनों ऑर्गन्स के बारे में अपन ने क्या है कि बारी बारी से इनका अध्ययन किया है। और अपन ने क्या है कि आज हाई कोर्ट के बारे में अध्ययन किया है। अब अपन ने क्या है कि जैसे लेसन अपने क्या है कि यहाँ ही क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले ख़त्म फिनिश हो गया था, अब हाई कोर्ट का लेसन अपना यहाँ ही फिनिश होता है। अब आगे अपन क्या है कि जिस भी लेसन के बारे में अपन जो देखेंगे उनके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।